करा तो कुछ ऐसा करा कि दुनिया सोचे पे मजबूर हो जाए, मरा तो ऐसा मौत मरा कि दुनिया रोवे पे मजबूर ढाल के कुछ लेकिन का ऑनलाइन भयल कुछ लेकिन कोट कोटा से देखा है क्या पहलवानी से दौड़ के छोड़ के पहलवान आर्मी में ही जाना क्यों चाहता है इस गाजीपुर जिले का युवा। क्या सद्दाम भाई से, सद्दाम भाई काफी वायरल रहते हैं और तमाम सारी वीडियो इनकी देखी जाती है, तो सद्दाम ये बताइए कि आप कितना तैयारी करते हुए समय हो गया आपका अभी तक हुआ नहीं है और जहाँ भी शहादत होती है वहाँ पर आप बढ़ चढ़ कर पहुँचते हैं, हिस्सा लेते हैं, इसका क्या कारण है? कारण का मतलब मन का शुरू से सपना कि नहीं मन फौज में जाल जा, फौज में भर्ती हो कर जा, तो नही लोग के देख के नही लोग के रास्ते पे चलत रहिए जा, जैसे बगल में देखा ये राहुल भैया जी हुआ और ये भैया जी हुआ, मतलब राहुल भैया फोर्स में हुआ ये ना भी फोर्स में होके भैया मतलब मोटिवेट करत रहा ना कि नहीं आप लोग अच्छे रास्ते पे चलिए, आप लोग तैयारी करिए, मेहनत करिए, कामयाबी आपका कदम जरूर आपका एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। तो फौज का रहन सहन उठना बैठना हर एक चीज़ देख के जो जुनून तो बढ़ता रहा और मतलब कि मुलायम सिंह यादव जी जो आप बताइबा कल गल कि मुलायम सिंह यादव जी जो कर गए हमारे देश के सेना के लिए, तो वाकई में वो एक मिसाल है जो धरती पुत्र बहुत बड़ा योगदान है वो सेना के परिवारों के प्रति। हाँ सेना के परिवारों के प्रति, नहीं तो पहले कारा की पेटी में जो कि टोपी बेल्ट आवत रहा, लेकिन अब जो है कि उसके जब से रक्षा मंत्री बने तब से पार्थिव शरीर सम्मान के साथ उनके घर पे लाया जाता है, तो अब वही सिस्टम रहा। अब ये चार साल का अग्नि वीर हो गई तो भैया ठेल ठाल के कुछ लेकिन का ऑनलाइन भयल कुछ लेकिन का ना भयल, कुछ बेचारे एनसीसी लेके चल गए मुंबई भंटा घूरत हुआ, कुछ एयर और गार्ड का नौकरी करत हुआ, सर्टिफिकेट है जहाँ यूज जेके करत बना था करत है, और जेकरे खेती है तो कुछ लोग तो सोचत हुआ कि भाई गेहूँ काट ली तब जाए कमाए, कुछ लोग डिलीवरी बारे में लग गल हुआ, डिलीवरी का मतलब भाई जो ऑनलाइन वाला सिस्टम उस्टम सब अपना रोजी रोटी। आप क्या आप तो अभी तैयारी कर रहे हैं कि क्या अभी चांस है कि अब हो जाए? तैयारी चला था चांस हो, जैसे कि अभी स्पोर्ट कोटा से देखा है क्या पहलवानी से दौड़ के छोड़ के पहलवानी करती लगल है, और मतलब कि एक जिद है कि नहीं जाए के, लेकिन जब जहाँ तक अगर अपन चली शरीर का थुआ तो मेहनत करत रह, मेहनत ही रंग लाई तो जनता मेहनत ऐसा चीज है मेहनत करे के, तो लेकिन आज का दिन बहुत खास का दिन है कि आज हमारे बीच है जो कि शहीद हो गए आप देख ही रहे हैं, और हम लोग को पता चला जैसे ही भैया भी आए राहुल भैया भी कि नहीं मतलब कि आज उनका जो कि ऐसे ऐसे हो गया। ये बताइए कि आर्मी में ही जाना क्यों चाहता है इस गाजीपुर जिले का युवा? आर्मी में एक अलग पहचान है आर्मी का, और ये ऐसा जिला कि जिला से कौनो सेंटर होकर कौनो विभाग होकर ऐसा जहाँ दो चार ठे दस ठे बीस ठे बेसिए मिली हैं, ये ऐसा विभाग है, अरे मतलब ये ऐसा जिला है गाजीपुर, हर जिला बीरन का हर धरती शहीदी है, कहे से कि हर जिला का धरती जो है कि शेर जन्मावन ऐसा बात हो ना, लेकिन गाजीपुर जो है कि गाजीपुर में इतिहास रच देना श्री बीर अब्दुल हमीद जी जो इतिहास रचना भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध भइल टैंक तोड़ना, तो हर सेना को में सपोर्टर हर लोग लड़ना देश के आजाद कराओ बदे, और बहुत अथवा मतलब होकर कि सुल्तान भाई आपका जो जब बोलते हैं आप कुछ शायरी बोलते हैं तो वो बहुत तेजी से वो जो होता है, तो शायरी के माध्यम से एक शहीद के लिए थोड़ा सा कुछ दो सब करा तो कुछ ऐसा करा कि दुनिया सोचे पे मजबूर हो जा, करा तो कुछ ऐसा करा कि दुनिया सोचे पे मजबूर हो जाए, मरा तो ऐसा मौत मरा कि दुनिया रोवे पे मजबूर हो जाए, तो ये ऐसा मौत है कि भाई समझा कि एठे शेर का दर्जा है में सम्मान जो कि एकदम वीर कहल जाए वीर वाली मौत है, में हर लोग हर विभाग का जे जैसे ही सुनत तैसे ही आवत कि नहीं चली भैया के अथवा में वाकई में ही सच्चा हीरो रहना हमारे देश का, तो पता चला ले लिया जा, और आज के दिन तो पूरा उनका घर परिवार और जो भी हित नात रिश्तेदार सब गम में डूबल है, और पता चला ले कि कल सुबह 7 बजे तक उनका पार्थिव शरीर बनारस से आ जाए, तो कल फिर मिलेंगे, बाकी जो है कि सिस्टम जवन भलाग्नि वीर के योजना ही मतलब सही ना यूएन के प्रति उसे यूएन का जोश बहुत खत्म हो गया एकदम। चलिए हमारे साथ और भी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज यादव छोटू। अभी तैयारी नहीं नहीं तैयारी नहीं करते हैं हम लोग, एक संगठन चलता है युवा शक्ति संघ, उस संगठन से मैं जिला गाजीपुर का जिला अध्यक्ष हूँ जी,
और ये गाजीपुर का ये जो तीसरी शहादत है, ये तीसरी शहादत से जान लीजिए पूरे क्षेत्र और इस परिवार का आँखें नम है। और ये जो गाजीपुर धरती है, यहाँ से हर एक आर्मी भर्ती में सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़ के युवा भर्ती होते हैं और ये शहादत के लिए पीछे नहीं हटते, ये हमेशा ही चढ़कर आगे चढ़ बढ़ कर आगे आते हैं। और सबसे ज़्यादा भर्ती गाजीपुर के ही होते हैं लड़के, और भी ज़िले के होते हैं लेकिन गाजीपुर के सबसे ज़्यादा होते हैं। और गाजीपुर के लड़के ज़्यादा होते हैं और देखा भी गया, अभी अग्निवीर का फॉर्म निकला था, लोगों के अंदर थोड़ा सा, युवाओं के अंदर थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है डाला गया है गाजीपुर के, रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है इसी गाजीपुर के युवाओं ने डाला है अग्निवीर के लिए। नहीं है लेकिन ऐसा धरती है कि जे जहाँ भी जाला, चाहे नेता बने, चाहे विधायक बने, चाहे सांसद बने, चाहे के हीरो बने, ये धरती पर से जात हुई। लेकिन वो लोग जो अचानक से चीज भल अग्निवीर हर एक युवन का जो है कि परिस्थिति पर बहुत बढ़िया ठोकर लगल है कि यूएन का मतलब 4 साल का नौकरी, फिर ऑनलाइन लेना न लेना, जेकर आधार कार्ड मेंटेन भी है, जेकर स्पेलिंग गड़बड़ उड़बड़ वगैरह वगैरह, तो बहुत सा सिस्टम है। और फिर भी मतलब वही कभी मिल जाए तो का ही दुख सुख, लेकिन आज का दिन बहुत खास दिन है, आप तो जनता हुआ तो एक वजह से बहुत कुछ कल भी शब्द उचित ना हो तो चलिए, हमारे साथ युवा थे और यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातें की, और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आएगा तब तक हम दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, उन्हीं के परिवार में है इस समय, उन्हीं के घर पे हैं, और लोग जो है नम आंखों से उनके शहादत में आ रहे हैं, सम्मान से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सारे लोग हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनके जो लोग हैं बातें कर रहे हैं कि ऐसे थे वो ऐसे थे, और वो तो होना ही है क्योंकि एक आर्मी का जवान जब उसके शरीर पर वर्दी चढ़ जाती है तो वो केवल एक परिवार का नहीं रह जाता, वो पूरे देश का हो जाता है। तो चलिए, हम इसी शहीदी धरती, इसी गाजीपुर ज़िले से थे, जिस जिले को शहीदी धरती कहा जाता है उसका जीता जागता सबूत ये जरूर है कि एक ही महीने में तीसरी शहादत, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गम है। और बात करें हम वीर अब्दुल हमीद की, तो वीर अब्दुल हमीद का नाम जैसे ही आता है लोगों के जुबां पर तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो आज पूरा इतिहास में दर्ज है, इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे तो इस गाजीपुर का नाम आएगा और उस शहीद, उस वीर अब्दुल हमीद का भी नाम आएगा। तो चलिए, हम तब तक के लिए आप देखते रहिए सौलभ हिंदी, और मैं दिखाता रहूँगा तमाम सारी खबरों के साथ, मैं आता रहूँगा और इसी शहीद के परिवार में जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक हम दिखाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।